फरीदा, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। सेंट्रल गवर्नमेंट सीरीज में आज आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम लाए एक नया योजना जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बहुत सारे पार्ट्स थे जिसको हमने आपको पहले ही वीडियो में अपने बताया है, जैसे सुगन्या योजना हो गया, बाल विकास योजना हो गया, आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना हो गया। ये सारे एक एक करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पार्ट्स थे। अब हम आज आपको बताएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कि ये कब शुरू हुआ था, इसका कौन आरंभ किया था और इससे क्या लाभ है, लाभार्थी इसका किस तरह लाभ उठा सकते हैं और किस तरह इसका आवेदन करेंगे। हमारे साथ दीप्ति मैडम है, आइए हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि इस योजना के बारे में ये कब शुरू हुआ था और इसका लाभार्थी किस तरह लाभ उठा सकते हैं। सो मैम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च हुआ था और ये कब इसका लाभार्थी किस तरह लाभ उठा सकते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो है 22 जनवरी 2015 में शुरुआत हुई थी और ये हरियाणा से शुरुआत की गई थी। जब एक जनसंख्या का निकला था गणना तो उस समय हरियाणा में लड़कियों की जो संख्या थी वो काफी कम थी, एटलीस्ट लड़कों के हिस्से। तो उसका रीजन देखा गया तो पता चला कि वहाँ पे जो लड़कियां होती है उनका प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे चेकिंग करके भ्रूण हत्या की जाती थी, जिससे लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई। तो फिर ये पहले से ही था कि लड़कियों की जो संख्या है वो आबादी ऐसी बढ़ती रही, लेकिन उसके लिए भी कैसे भ्रूण हत्या इनलीगल किया गया था, लेकिन वो ज्यादातर डॉक्टर्स लोग नहीं कैरी कर रहे थे या पब्लिक बोले वो। तो जब प्रधानमंत्री जी आए थे नरेंद्र मोदी तो इन्होंने इसे स्ट्रिक्टली लिया कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, तो इसके अंतर्गत ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। तो इसे लड़कियों की जनसंख्या में थोड़ा बढ़ोतरी आई। और जैसे कि वहां पर हरियाणा या कई पूरे इंडिया में आजकल भी लड़कियों को लड़कों के जैसे इक्वल नहीं समझा जाता है, उनकी पढ़ाई के लिए आ गया तो पढ़ाई के लिए ज्यादातर उनका फोकस माँ बाप का लड़कों पे होता है, बेटियों पे नहीं कि भाई ये पढ़ेंगी तो कहाँ जाएंगी, सिर्फ ससुराल जाके उन्हें खाना ही बनाना है, वहां का घर देखेंगे, हमारा क्या, हमारा जो है वो हमारे बेटे ही करेंगे। तो इसके लिए फिर ये योजना निकली गई थी। इसमें जैसे आपने बताया सुकन्या समृद्धि योजना, तो इससे भी उनको जो पैसा है सुकन्या समृद्धि का वो उनकी पढ़ाई के लिए और शादी के लिए आता था, तो एक तरीके से माँ बाप का थोड़ा प्रेशर कम हुआ। कितना पैसे लगते थे सुकन्या योजना में? सुकन्या योजना में 250 रूपए से फॉर्म शुरू होता है इसका भरना, फिर आप वो कितना भी भरिए 15 साल तक आपको पैसा भरना है। और ये 21 साल की पॉलिसी रहती थी जिसमें आप 15 साल पैसा भर के 6 साल आपको पैसा स्टॉप करना है। अगर समझे किसी ने 2 लाख तक जमा किया है सुकन्या योजना में तो जब पॉलिसी मैच्योर होती तो उसका 3 गुना पैसा वो उन्हें मिलता था, लेकिन प्राप्त होता था। तो लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई थी कि ये पैसा सिर्फ आप उसकी पढ़ाई या उसकी शादी के लिए ले सकते हैं, बाकी आप जरूरी अपने खर्चों के लिए उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक ये भी पार्ट आ गया कि उनकी पढ़ाई भी होने लगी, वो लड़कियां सशक्त बनी आगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये 22 जनवरी 2015 में शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई थी। जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में लोगों बेटियों की जनसंख्या बहुत ही कम थी। अच्छा, तो जैसे कि आपने भी बताया कि बेटियों की जनसंख्या बहुत कम थी, इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जब आरंभ हुआ तो इसका क्या लाभ है, लाभार्थी इसका लाभ किस तरह उठाएंगे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का लाभ जिस तरह के आपने वो बोला कि अभी आंगनवाड़ी ये सब आया, जो योजना आपने बताई ये सब एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत ही आता है, जिससे माँ बाप को इतना पता चला कि ये सब कार्य करेंगे तो हम लोग हमारी बेटियों को आगे पढ़ा भी सकते हैं और उनका फायदा भी होगा। क्योंकि अगर आप 1-2 लाख तक ही अगर जमा कर रहे हो तो बाकी का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट ही आपको दे रही है ना, तो उनसे थोड़ा उनका जो भार था वजन वो कम हो गया, तो थोड़ा बेटी पढ़ाओ बेटी इसके योजना की तरफ आगे बढ़ने लगे। और अभी तक जो सुकन्या समृद्धि योजना नहीं निकालते थे, अभी एटलीस्ट जैसे मैं पोस्ट ऑफिस में काम करती हूँ अभी सब जागरूक हो गए, खुद आके वो अकाउंट निकाल रहे। पहले सबको जा जाके बोलना पड़ता कि आप ये अकाउंट निकालो, लेकिन जब अभी उनको पता चला कि इसमें फायदा, इसका आवेदन किस तरह कर सकते हैं, मतलब आवेदन आपको करना है तो ऑफिस में पोस्ट ऑफिस के जरिए ही हुआ जाता है, जैसे आपको जितना भरना है। जिसके लिए हम लोग भी उन लोगों को ये करते कि कन्विंस करते, जैसे आप लोग लेडीज ज्यादातर हम लोग लेडीज को ही बोलते हैं क्योंकि जेंट्स लोग ज्यादातर काम पे रहते तो उन्हें पता नहीं चलता, तो हम लोग उन्हें यही बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 10 रुपए तो निकालो डेली का, अगर आप 10 रुपए भी निकालते हो तो आप आपकी बेटी के लिए 300 रुपए तक जमा कर सकते हो जी, तो आप आके हर महीना सुकन्या अकाउंट में आप जमा कीजिए।
मतलब अगर इसका आवेदन करना हो जो नई जिसने फ्रेशर हो जिसको नहीं मालूम हो और वो पहली बार आ रहा है सुकन्या योजना या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए आवेदन करने के लिए, तो उसे किस तरह करना होगा, तो उसे आके किस तरह अप्लाई करना होगा? ऑफिस में आना है उन्हें, पोस्ट ऑफिस में, और सिर्फ इसमें डॉक्यूमेंट कुछ ज्यादा नहीं लगते, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा ओके, और अगर डैडी का सिग्नेचर ले रहे तो उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड और उनका दो फोटो डैडी के बस। अगर डैडी नहीं आ सकते उनकी मदर है तो उनका आधार कार्ड पैन कार्ड, लेकिन एक शर्त है कि मम्मी के डॉक्यूमेंट में उनके डैडी का नाम जॉइंट हो। हाँ नहीं तो, क्योंकि अभी तक हम लोग ने देखा है बहुत सी लेडीज लोग है कि अभी तक के नाम उनके फादर के इधर ही चल रहे, हस्बैंड के साथ जॉइंट नहीं किया, तो हमें उन्हें भी ये बोलते कि भाई आप अपना नाम चेंज करो हस्बैंड के साथ। ओके तो आपने अभी देखा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट प्लीज रेडी करिए और अच्छे से, जिसमें अगर मम्मी आ रही है तो वो अपने हस्बैंड का ही नाम से डॉक्यूमेंट लेकर आए, ना कि पापा के नाम का। और हमारे साथ मैडम थी जिन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस तरह था और इसमें क्या क्या लाभ था, इसके लाभार्थी किस तरह लाभ उठा सकते थे, जबकि ये खुद एक वर्किंग वुमेन है जो कि वर्क करती है पोस्ट ऑफिस में। थैंक यू। आज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666477110।